हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस यार, जो आज का टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा होने वाला है। ठीक है, तो आज हम विंडो 11 का करेंगे, कैसे मतलब अपडेट करना है, तो इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन बताएंगे। तो गाइस उससे पहले यार सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, शेयर करो। अभी तक आपने कमेंट नहीं किया तो जल्दी से कमेंट कर लो कि वीडियो कैसे लगी। ठीक है, आई होप कि आप सारे ठीक होंगे। तो प्लीज़ यार इस वीडियो को जरूर देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज करने वाला हूँ मैं, मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ। ठीक है, जिसका मतलब कि जिसका विंडो पे जैसे कि 10 है और वो मतलब कि 11 नहीं बन पाता है, तो इसलिए मैं इस पर ये वीडियो बताने वाला हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, आपके पास एक पेन ड्राइव होनी चाहिए, तो पूरी इन्फॉर्मेशन मैं बताने वाला हूँ जो कि हमारे विंडो 11 होने वाला है। डाउनलोड कैसे करना है, ISO। ठीक है, तो सबसे पहले गाइस इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जो कि इसका लिंक है। ठीक है, सबसे पहले मेडिफाई पे करना है, तो वहाँ से करने के बाद आपका ऐसे इंटरफेस आ जाएगा। तो डाउनलोड करना है तो वो 4 पॉइंट ऐसे कुछ GB होगा। ठीक है, या फिर आपको सस्ते में पड़ जाएगा तो डाउनलोड रिफ्यू। ठीक है, तो गाइस ये एक पेन ड्राइव में जैसे होता है काम, यहाँ से कर सकते हैं। ये 1.1 MB का पड़ जाएगा आपको। ठीक है, तो स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे ऐसे इंटरफेस रहेगा, कट करना है। तो गाइस वहाँ से कर सकते हो, जैसे कि आपको फोल्डर पे करना है। ठीक है, रिव्यूज आपका फोल्डर आ जाएगा, आपको पेन ड्राइव डालनी है। ठीक है, कोई भी पेन ड्राइव डाल सकते हो। ओपन रिव्यूज, ठीक है, तो नो करना है। उसके बाद ऐसे इंटरफेस आ जाएगा आपका कि SSD ड्राइव 32 GB है। ठीक है, विंडो 11 करना है, तो जो कि मैंने डाउनलोड किया वहाँ से उसको अंदर करना है। तो GPT, तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो जो जो मैं कर रहा हूँ वो आपको करना है। तो जैसे आपने स्टार्ट किया, ओके करना है, मतलब कि वो देता है। ठीक है, तो जैसे कि कॉपीराइट हो रहा है हमारा। ठीक है, तो गाइस जैसे कि हमारा हो चुका है, तो क्लोज करना है वहाँ से, और जिस पीसी भी जाना है जिस पीसी के बाद, या फिर रिफ्रेश मारना है पहले। ठीक है, तो जो कि हमारा ट्रायल ई थी, तो इट्स अ टाइम टू द इंस्टॉल विंडो 11। रिबूट मारने के लिए क्या करना है आपको, इंटर टू द बोर्ड, तो यहाँ पे ESC F2 F10 और F12 दबाना है। ठीक है, तो कीज दबानी है, तो इससे हमारा सिस्टम रिबूट हो जाएगा जो कि आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप कर सकते हो कि तो जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ तो इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, आपको यहाँ से इंस्टॉल करना है जैसे कि आप देख सकते हो। तो गाइस यार अभी तक प्लीज़ यार आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, तो जो कि आई डोंट हैव टू प्रोड्यूस। तो गाइस जैसे कि विंडो 11 तो यहाँ पे आ जाएगा, तो विंडो 11 प्रो जो कि हमें चाहिए। तो नेक्स्ट है ना, तो एक्सेप्ट करना है उसका। नेक्स्ट है यहाँ पे जैसे कि मैं करती हूँ, तो साइज कितने का है। ठीक है, तो जैसे कि मतलब कि 1 5 GB का, तो नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद जैसे कि हमारा 480.7 GB हो गया। ठीक है, कॉपीराइट्स हो गया, तो गेटिंग फास्ट रेडी फॉर इंस्टॉल। ठीक है, तो इसको होने दो। तो गाइस यार अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, जैसे कि मेरा वो भी हो गया, तो मतलब कि 31 32 33। तो गाइस थोड़ा धीरे होगा आपका। ठीक है, तो ये मेरी थोड़ा जल्दी फास्ट में बना रहा होती, इसलिए आपको लग रही होगी कि फास्ट में हो रहा है, पर कुछ मिनट बाद आपका हो जाएगा। ठीक है, इंस्टॉल हो जाएगा। तो जैसे कि मेरा हो गया 95 98 100, जैसे कि यहाँ पे हो गया, तो जो हमारे इंस्टॉलिंग फीचर भी हो गया। तो उसके बाद आता है हमारे इंस्टॉलिंग अपडेट, तो अपडेट हो गया, रिस्टार्ट। तो गाइस जैसे कि हमारा हो चुका है, तो देख सकते हो गेटिंग रेडी। ओके, तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो कि वो थोड़ा रेडी हो रहा है। ठीक है, थोड़ा वेटिंग रहेगा आपको, तो हो जाएगा वो, मतलब कि हाँ 15 या फिर 20 मिनट तक हो सकता है, इतना इतनी वेटिंग तो आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो जब ऐसे करेगा वो पहले, तो जस्ट हम मूवमेंट करेगा। ठीक है, तो गाइस हम विंडो की सारी वीडियो डालते हैं। तो गाइस आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी तो गाइस यार देख लेना। ठीक है, तो जैसे कि ये तो बताएगा, और यहाँ तो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट, तो नाउ लेट्स स्टे अबाउट विंडो 11। तो इंग्लिश इंडिया स्किप करना है यहाँ पे। ठीक है, तो चेकिंग फॉर अपडेट कर रहा है वो। तो गाइस जैसे कि ये तो आईडी बनाने के लिए है, ईमेल आईडी। ठीक है, तो ये मैं सिखा लूंगा आपको। तो जैसे कि आई एम सेटिंग अप द ऑफलाइन अकाउंट, तो ऑफलाइन पे भी बना सकते हो। ठीक है, तो सिंगल ऑप्शन, तो
गाइस यहाँ पे आ जाएगा, सिंगिंग ऑप्शन पे जाना है तो वहाँ से आपको मतलब ऑफलाइन हो जाएगा, ठीक है। तो आप बाद में भी बना सकते हो जर्नी, तो अपना नाम डाल सकते हो, ठीक है। तो गाइस यार वीडियो कैसे लग रही थी यार, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट में जरूर बताओ। तो लोकेशन फाइंड माय डिवाइस, तो गाइस इसको मैं ऑफ ही कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये एक्सेप्ट करने उसके बाद आपकी मर्जी, आप ऑन रखना चाहते हो या ऑफ रखना चाहते हो। Now, let's see what new from Endo. तो जैसे कि जस्ट मूवमेंट करेगा तो ऐसा आपका इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप हमेशा रिबूट मारते हो तो आपका ऐसे ही आता है, getting ready for you and the mic take a few minutes. तो ऐसा आपका इंटरफेस आ जाएगा जो कि, ठीक है। तो वहाँ पे लिख रखा है कि आपको पीसी बंद नहीं करना, ठीक है, जो कि आप देख सकते हो। गाइस यार वीडियो कैसी लगी थी, तो गाइस यार सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो जैसे कि वो थोड़ा ऐसे करा रहा, ठीक है, तो द माइंड टेक अ फ्यू मिनट्स, तो ऐसे लेता कुछ मिनट लेता है, ठीक है। तो थोड़ा वो जो रेडी करता है तब लेता है, या फिर आपको ऐसा तो हो गई जैसे कि, तो प्लीज़ कीप योर पीसी ऑन एंड प्लग इन। तो आप लगा सकते हो आप, ठीक है, प्लग में लगा सकते हो चार्ज करने के लिए, जैसे कि साइन इन। तो गाइस जैसे कि देख सकते हैं हमारा हो चुका है विंडो 11। तो गाइस यार तो यहाँ पे देख सकते हो दिस पेज पे जाना है आपको, प्रॉपर्टीज पे जाना है। प्रॉपर्टीज के बाद आपको यहाँ देख सकते हो, तो 5.90। तो एंजॉय, गुड, कैसे लगी वीडियो, तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट में जरूर बताओ, बेल आइकन को प्लीज प्रेस करना।